5 अगस्त को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में इनसो के स्थापना दिवस पर नशा मुक्ति थीम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में इनसो नेता दिग्विजय चौटाला ने भी शिरकत की थी। आयोजक छात्र एवं इनसो चेयरमैन जीजेयू हरेंद्र बेनीवाल को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बैन कर दिया था और उन पर जुर्माना लगा दिया। विश्वविद्यालय का आरोप है कि आयोजन में छात्रों ने हंगामा किया है और यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है। छात्र एवं इनसो चेयरमैन जीजेयू हरेंद्र बेनीवाल ने आयोजक होने के कारण विश्वविद्यालय का हॉल बुक करवाया, जिसको लेकर इनसो छात्रों ने वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि अन्य संगठनों के छात्रों ने अव्यवस्था फैलाई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई जाए। इनसो नेता व छात्र हरेंद्र ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन यूनिवर्सिटी में इनसो को कमजोर कर एबीवीपी को मजबूत करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस तरह की कार्यवाही की है। हरेंद्र बेनीवाल ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर संघ के आदमी हैं, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बीजेपी और संघ के कुछ लोग कुछ भी करे, उन पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आज का प्रदर्शन जो हमारी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन नरेंद्र को जो यूनिवर्सिटी में 6 महीने के लिए बैन किया गया उसके लिए था। यूनिवर्सिटी में हमारा इनसो का एक स्थापना दिवस का प्रोग्राम हुआ था, नशा मुक्त अभियान। उसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा आरोप लगाया गया कि यूनिवर्सिटी में जो ऑडिटोरियम उसमें तोड़फोड़ हुई है, कुछ कुर्सियाँ या मेज टूटी है। लेकिन हमने यूनिवर्सिटी से ये पूछा है कि या तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाए, यूनिवर्सिटी में जो तोड़फोड़ हुई है हम उसका फाइन भरने के लिए हम तैयार हैं। किसने तोड़फोड़ की? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कुछ एबीवीपी के छात्र भी शरारती तत्व भी वहाँ पहुँचे हुए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत ये दिखाया जाए। अगर बैन करना तो उन्होंने किया जाए, तोड़फोड़ की है अंदर को नहीं, अगर हमारे की छात्र द्वारा की गई है उसका फाइन भरने के लिए हम तैयार हैं। जितना भी फाइन यूनिवर्सिटी लगाएगी वो फाइन भरने के लिए हम इसको बिल ला के दे दें। जो जो तोड़फोड़ हुई है यूनिवर्सिटी जो ठीक करवाया है उसका बिल हम भरने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है कि यहाँ से इनसो को संगठन को यूनिवर्सिटी में कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ये जो विषय यहाँ पर बैठे हैं ये बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता हैं और ये चाहते हैं कि इनसो को यहाँ कमज़ोर करके एबीवीपी का संगठन यहाँ खड़ा किया जाए, बार बार उनको ज़बरदस्ती प्रधान बना के बच्चों में थोपा जाए उनको। आशीष कुंडू, राष्ट्रीय महासचिव इनसो। सर, मैं हरिंदर बेनीवाल, इनसो जीजेयू चेयरमैन। सर, यहाँ वाइस चांसलर द्वारा जो मतलब हमारे इनसो को संगठन को कमज़ोर किया जा रहा है और मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। जैसा कि हमारा इनसो का प्रोग्राम था 5 अगस्त, जो कि इनसो फाउंडेशन डे पे हमने प्रोग्राम करवाया था, उसका ऑर्गेनाइजर मतलब हमारा संयोजक था मैं, तो इस कारण जो भी मेज कुर्सियां ऐसा कुछ बताया गया है, नशा मुक्त हरियाणा का जो प्रोग्राम था उसमें हमने नशा के ऊपर जो भी साथी हमारे आए थे उनको शपथ ग्रहण करवाई, भई हमें नशा मुक्त नहीं हरियाणा चाहिए, उसके लिए अवेयर करवाया गया था। और काफ़ी सारे बहुत से छात्र आए थे हमारे यूनिवर्सिटी से और से बाहर से, तो इनको जो भी दिक्कतें हुई हैं, परेशानी हुई है, ये पहले तो ये कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी ट्रैफिक आ गया। जो मेरे को लेटर दिया गया है उसमें जो मेरे को 3 तरह की सज़ा दी गई है उसमें क्या मेंशन किया गया है, एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और जो प्रोग्राम था उसमें ट्रैफिक आ गई है। मेन गेट से, जैसा कि आप आए हो यूनिवर्सिटी में, मेन गेट से ऑडिटोरियम तक एक भी सिंगल क्लासरूम नहीं है, तो कैसे कक्षाएं बाधित हो गई है। ना ही हमने क्लासों में जाके किसी को इनविटेशन दिया, ना ही किसी की क्लास हमने डिस्टर्बेंस की, फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आपने क्लास को बाधित कर दिया या कुछ और। ऐसा कुछ है तो पुख्ता सबूत लेके आए वाइस चांसलर साहब, और ये बेवजह के तुगलकी फरमान ना सुनाए जाए। और हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन है जो बेवजह के ऐसे बार बार में, आज कोई पहली बार नहीं है, ये छात्रों पर तो एक मिनट में एक्शन ले लिया जाता है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो इतने घटिया घटिया काम करते हैं, बच्चों के साथ कोई अंदाज़ा नहीं है, छेड़छाड़ के मामले, पता नहीं क्या क्या चौकियों में जाके पैर हाथ जोड़ते हैं, फिर भाई गलती होगी छोड़ दो, वाइस चांसलर साहब उनका साथ देते हैं। कई मामले ऐसे हैं, इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई, कमेटी बिठाई गई, सारा कुछ किया गया वाइस चांसलर द्वारा। वो कमेटी मेरी तो नहीं थी ना, वाइस चांसलर ने बिठाई थी, लेकिन फिर भी उसमें उनके खिलाफ सारी कुछ, सारा नेगेटिव उनके साथ, पूरी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करवाई, सारा कुछ आ गया, पुख्ता सबूत आ गए, फुटेज आ गई। इंस्टीट्यूट में एक नेट की कोचिंग चल रही थी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करी, सारा कुछ जो लोग RSS और BJP के हैं उन पे यहाँ कुछ भी करो, कुछ भी गुंडा राज है, कोई काम करो, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज मामला क्या है,
इतिहास में यूनिवर्सिटी में पहली बार हुआ है। प्रोग्राम बहुत हुए हैं, ऑडिटोरियम चलते हुए 8 साल हो गए हैं। आज तक दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं, सुरजेवाला जी भी आए हैं, यहाँ तक कि सुभाष चंद्रा जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने तो हद ही कर दी। क्या किया, यहाँ शो टीवी चैनल के द्वारा शो, अपना शो जिसमें 50 लाख रुपए की पर डे इनकम है, वो यहाँ चलाया गया। और हमारे वाइस चांसलर जो धन्य है, हमारे महान जो वाइस चांसलर आरएसएस द्वारा भेजा गया है, उन्होंने क्या किया, यहाँ हमारा ऑडिटोरियम फ्री में दे दिया उनको शो चलाने के लिए, जो मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई था ही नहीं, कुछ नहीं। एक जो हमें नशा मुक्त हरियाणा किया गया, वो इन्होंने किया था। इंटरनेशनल लेवल पे बता रहे हैं, पता नहीं कभी नेशनल लेवल पे बता रहे हैं, कभी हरियाणा पे। जिसमें मैं याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ जो श्री श्री शंकर आए थे, जो एक्टर आए थे, कई आपको भी पता होगा, मीडिया के माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, उसमें स्टूडेंटों के 50 लाख रुपये खर्च किए। ना कि हम छात्रों की मांग करते रहते हैं हॉस्टलों में, अरे भाई हॉस्टल बनवा दो, 50 कमरे तो बनते 50 लाख में, वो बेवजह किसी की, क्योंकि उनके आगे चमचागिरी करनी थी। आरएसएस के आदमी थे और सीएम साहब ने कह रखा था। अब वाइस चांसलर ने तुगलकी फरमान सुनाने के बहुत ही नायाब तरीके ढूंढ रखे हैं। अब 3 सजा सुना दी इतिहास में। पहली सजा है जो फाइन लगा दिया गया, जो 50,000 रुपये सिक्योरिटी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ इनसो संगठन ने जो मेरे द्वारा बुक करवाया गया था, हमने पूरे पैसे यूनिवर्सिटी ने मांगे, वो पूरे पैसे ऑडिटोरियम का जो रेंट था वो हमने अदा किया। और आगे भी जो भी हमने एक बिल मांगा है, कोई जुल्म तो नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ भी खाने के, अब मैं चंदा तो दे नहीं सकता, मैं भी स्टूडेंट हूँ। ये कह रहे हैं बिल भी नहीं दे रहे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की गई, ना कोई मेरा पक्ष जाना गया, सीधा गया है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, उससे भी मेरे को वंचित रखा गया है। आप हाई कोर्ट में कोई भी मतलब कमेटी के 6 सदस्य हैं, होती है कुछ और होता है, हमारे कलम कमल गुप्ता जी है जो विधायक है हिसार से, विधानसभा से, उनके आदर भाव, यहाँ रोज समोसे खिलाए जाते हैं जी, और कुछ नहीं है। चेयरमैन सर, आज इनसो का जो प्रोटेस्ट था, क्या पूरा मामला था और किस तरह का फाइन लगाया गया था? इन बच्चों को हरिंदर बेनीवाल नाम के बच्चे ने ऑडिटोरियम बुक कराया था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई फंक्शन करने के लिए, लेकिन वो अपने डोमेन से बाहर निकल गए और ये एक बड़ी रैली यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ कर ली, जिससे यूनिवर्सिटी का जो कार्य है वो भी प्रभावित हुआ और ऑडिटोरियम के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ हुई। उसकी वजह से कुछ पेनलाइज उसको किया है, कुछ फ़ाइन भी लगाया गया, तो उसके विषय में ही आज ये इकट्ठे हो गए थे। तो सर क्या मांगे थे उनकी और इस पर आगे क्या कार्रवाई अभी तक चल रही है? नहीं, उसको जो तोड़फोड़ पे कुछ फाइन लगाया है वो उसको पे करना है, और आज शाम को 3 बजे उसको प्रोक्टोरियल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना है। सर, स्टूडेंट के बैन होने की खबरें भी थी कि उसको यूनिवर्सिटी से बैन किया गया है। बैन किया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हुआ उस दिन, क्लासेज डिस्टर्ब हुई, बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हुए, तो ये सारी चीज़ें थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।